कविता का शीर्षक है चिड़ियाघर में जेब्रा की मौत। कविता का शीर्षक है पत्थल घड़ी। पटेल चौक। कविता का शीर्षक है एक बूढ़े कवि से मिलकर। ये कविता प्रयाग शुक्ल जी से मिलने के बाद उनको समर्पित है। उस बूढ़े ने मुझसे कहा, हम लोगों ने गलती कर दी बहुत पहले राजधानी आकर। हमारी कविता के लिए कटनी या सतना ही ठीक था, और जो हुआ हमारी कविता के साथ सो तो हुआ। उस बूढ़े ने मुझसे कहा, हम लोगों ने गलती कर दी बहुत पहले राजधानी आकर। हमारी कविता के लिए कटनी या सतना ही ठीक था, अब जो हुआ हमारी कविता के साथ सो तो हुआ। और उन्होंने हिदायत दी कि अच्छा है कि तुम बहुत कम दिल्ली आते हो, तुम और तुम्हारी कविता की तबीयत के लिए यह ठीक है। मैं सोचने लगा, क्या यह साजिश है बूढ़े ब्राह्मण कवि की एक युवा आदिवासी कवि के प्रति? लेकिन तभी मुझे कुंभन दास की याद आई। और वापसी का टिकट देखकर मुस्कुरा उठा। कुछ बातें सिर्फ कविता के लिए ही होती है। यह दान का समय नहीं है, कबूतरों से उनके पेड़ विस्थापित हो चुके हैं। जड़ों में पानी नहीं कि वे सूख ना सकें। बारिश अब मौसम की मार झेल रही है, और एक मजदूरिन अपने स्त्री होने का गीत गा रही है। यह दान का समय नहीं है, कबूतरों से उनके पेड़ विस्थापित हो चुके हैं। जड़ों में पानी नहीं कि वे सूख ना सकें। बारिश अब मौसम की मार झेल रही है, और एक मजदूरिन अपने स्त्री होने का गीत गा रही है। हाँ, अब यह दान का समय नहीं, दया निर्वासित है अपनी आत्मा से, धर्म हत्यारा है ईश्वर का। दयावान होना अब कोई मुहावरा नहीं, मसीहा होने के लिए भी हत्या जरूरी है। एक कबूतर के लिए एक पेड़ का दान ठीक नहीं। जड़ों को जमीन कौन दे सकता है दान में? बारिश को भला कौन दे सकता है बादल दान में? और वह मजदूरिन जो गीत गा रही है, उसे तो अब तक ठीक से उसकी मजदूरी भी नहीं मिली। माफ करें, सभी धर्म ग्रंथ अपने दान का उपदेश शीघ्र स्थगित करें। कविता का शीर्षक है मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा। इसे हमारे समय में ही होना था, धर्म अपने निराकार रूप को छोड़ रहा था। जो निराकार थे वे दाढ़ियों, टीकों और जुबानों से अपना आकार गढ़ रहे थे। ईश्वर ने सबको अपनी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया था। विज्ञान ने विनाश के सबसे घातक हथियार बना लिए थे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों पर उन्हीं हथियारों से हमले कर रहे थे। यह प्रेमचंद का समय नहीं था, नहीं तो हामिद मेले से चिमटा की जगह राइफल क्यों खरीद लाता? शंकर किसान के यहाँ पंडित तलवार लेकर क्यों पहुँचता? यह पहले से और निर्दयी होता समय था। गरीबों को धर्म ने बांट लिया था। गरीबी धर्मशास्त्र में कहीं उद्धृत नहीं थी, और जानवर ईश्वर तक पहुंचने के सबसे आसान प्रतीक बन गए थे। यह समय था विज्ञान से धर्म को व्याख्यायित करने का, फिर से पृथ्वी को सूरज से परिक्रमा कराने का। वैज्ञानिकों से पुष्पक विमान को प्रमाणित करने को कहा जा रहा था। विश्वविद्यालयों को कहा गया था धर्म रक्षकों की सेना तैयार रखने के लिए। कहीं कोई रंग उभरता था और धर्म रक्षक कब्जा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। कलाकारों के कैनवास को बदरंग कह दिया गया।
यह बच्चों के तुतलाने का सबसे भयावह समय था। यह बच्चों के तुतलाने का सबसे भयावह समय था। उन्हें रंगों से खेलने की पाबंदी थी। वे अपने मन की भाषा नहीं बोल सकते थे। उनका ईश्वर पहले से तय कर दिया गया था। यह मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा था। यह मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा था। मुझे ना श्लोक चाहिए थे, ना मंत्र, ना आयतें। मुझे कविता की ओर बढ़ना था और कविता ने कहा, आओ फिर से चलें उल्टी धारा।